दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है 21 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 56 दिनों से जारी आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि ट्रैक्टर रैली को कोई भी रोक नहीं सकता। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि गणतंत्र दिवस मनाने से देश के नागरिक को संवैधानिक संस्थान या फिर पुलिस रोक नहीं सकती। हम झगड़ा करने नहीं जा रहे, हम दिल्ली में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाएंगे। पहले हम इसे खेत और फिर गांव में मनाते थे, क्योंकि हम अभी दिल्ली में हैं तो फिर दिल्ली में ही मनाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम देखना चाहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं या फिर हमें रोकने वाले देश के गद्दार। दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती में उनकी मदद करने के लिए 2018 में एक खास स्कीम को लॉन्च किया था। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। सरकार ने 6,000 रुपये साल भर में 3 किस्तों के आधार पर देती है। यह महीने में 1 किस्त आती है। अब तक बिहार में किसानों को 6 किस्तों में पैसा मुहैया कराया जा चुका है। यह 7वीं किस्त भी दिसंबर से आनी शुरू हो चुकी है और लगातार आ रही है। 7वीं किस्त पाने के लाखों किसान हैं जिनका पेमेंट अटक गया है, जहां उनके आधार नंबर देने या फिर अकाउंट नंबर देने में कहीं भी कोई गलती हो गई होगी, लिहाजा उनको अभी तक 7वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिले हैं। जी हां, ऐसे में अगर आपने भी कोई गलत जानकारी भर दी है तो फिर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके ठीक किया जा सकता है। आपको बता दूं कि ये गलती आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो गलती ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। जहां इसके बाद यहां पर आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पर आधार एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां आप अपना आधार नंबर ठीक कर सकते हैं। जी हां, इसके अलावा अगर आपके अकाउंट नंबर में कोई गलती हो गई है तो फिर आपको अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा, वे आपकी गलती को सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों कई लोग अपने ऑफिस का लंच अखबार में लपेट कर ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ट्रेन में सफर करने के दौरान न्यूज़पेपर पर रख कर खाना खाते हैं। भले ही आपने इस आदत पर गौर नहीं किया हो, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। जी हां, फुटपाथ पर बिकने वाले खाने को अखबार में लपेट कर दिया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी हां, खासकर चाट पकौड़े की दुकान पर लोग न्यूज़पेपर रख कर खाना खाते हैं। अगर आप भी इस तरीके से खाना खाते हैं तो फिर आपको गंभीर बीमारियां हो सकती है। जब कभी भी अखबार में लपेट कर खाना नहीं खाना चाहिए, खासकर गर्म खाना आपको कई सारी बीमारियां दे सकता है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अखबार में इस्तेमाल किए जाने वाले स्याही में रासायनिक केमिकल होती है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जी हां, गर्म खाने की वजह से स्याही खाने में चिपक जाता है, यह आपके सेहत के लिए हानिकारक दे देता है। जी हां, इस विषैला पदार्थ को खाने से पेट की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेट में इंफेक्शन हो सकता है। अखबार की स्याही की वजह से मुंह का कैंसर और पेट का कैंसर होने का आशंका रहती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने कई बार कहा है कि अखबार में लिपटा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह खासकर बच्चे, बुजुर्ग और किसी तरीके की बीमारी से पीड़ित लोगों को अखबार में लपेटकर खाना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे आपके फेफड़े और लिवर पर भी असर पड़ता है। दोस्तों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आगामी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की है। जी हां, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रैली के दिल्ली में घुसने को लेकर फैसला दिल्ली पर छोड़ दिया है, यानी कि दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है। इसके संबंध में किसान संगठनों के नेता रैली के लिए मार्ग और इंतजामों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। जी हां, एक किसान नेता ने यह जानकारी दी है। किसानों ने दावा किया है कि इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान पिछले 56 दिनों से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, यह तो आपको मालूम है। इससे पहले किसान और नेता 10 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सब्सिडी और पराली से जुड़े मुद्दे के अलावा अब तक कोई भी बड़ी सहमति नहीं बन पाई है।
दोस्तों कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे वैक्सीनेशन के बीच देश के 14 राज्य में बर्ड फ्लू फैल चुका है। बर्ड फ्लू की वजह से कई राज्य में चिकन और अंडे की शॉप बंद है। ऐसे में मछली और मटन की मांग बढ़ी है। लोग चिकन अंडे के रिप्लेसमेंट के तौर पर इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि चिकन अंडे के बदले मछली का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि आप जो मछली खा रहे हैं वो कितनी सेफ है? दरअसल 241 फिश फार्मों पर की गई एक इन्वेस्टिगेटिव स्टडी में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। 10 राज्य 241 मछली फार्म पर की गई इस स्टडी में पता चला है कि इस फार्म में सीसा और कैडमियम की ज्यादा मात्रा इस्तेमाल किया जाता है, जहां यह स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन करती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तमिलनाडु के कई शहरों में मछली फार्म में पानी की गुणवत्ता का सबसे खराब स्तर पाया गया, जबकि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पुडुचेरी के फार्म में उच्च स्तर का सीसा मिला है, जो इंसान के लिए जानलेवा है। अगर आप मछली खाते हैं तो फिर सावधान हो जाइए। तमिलनाडु, बिहार और ओडिशा के मछली फार्म पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक पाए गए हैं, जहां बिहार से भी बहुत ही हानिकारक पाए गए हैं। दक्षिण भारत के राज्य में मछली के फार्म में सीसा और कैडमियम की सबसे ज्यादा मात्रा मिली है। इन दोनों तत्वों के मानक शरीर में प्रवेश करने पर कोशिकाएं डैमेज हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने आहार में मछली को शामिल करना चाहिए, क्योंकि मछली में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम आवास योजना ग्रामीण यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जी के तहत उत्तर प्रदेश के 6,01,000 लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। पीएम मोदी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लाभार्थियों से रूबरू हुए, जहां पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ दिन पहले देश में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। आज एक और अच्छा काम हुआ है, आवास योजना से गांवों की तस्वीर बदल रही है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि गरीब के पास घर हो, गरीबों को घर दिया जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से किसानों की ट्रैक्टर रैली को दखल देने से इनकार कर दिया है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया गया। जब बुधवार को ही सुनवाई में चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया है कि यह मामला दिल्ली पुलिस के हाथ में है, पुलिस चाहे तो इस पर इजाजत दे सकती है या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अति गोपनीय बातें एक पत्रकार को बताई गई, हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए, पत्रकार कहता है कि हमें फायदा होगा, ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये सारी बातें अर्णब गोस्वामी के वायरल हुए व्हाट्सएप चैट को लेकर कही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे लिखा है कि एक तरफ ये सरकार किसानों की सुन नहीं रही है, दूसरी तरफ जवानों की जिंदगी से खेल रही है। जय जवान जय किसान हमारे देश का नारा है, सिर्फ इसे बार बार दोहराने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसा दिया है, जहां सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। 1 नवंबर 2020 को ली गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारत की वास्तविक सीमा के लगभग 4.5 किलोमीटर अंदर बने इस गांव में लगभग 101 घर बनाए गए हैं। विशेषज्ञों ने इसे बड़ी चिंता का विषय बताया है। जो चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में एक नई चिंता उभरती दिखाई दे रही है। एनडीटीवी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसा दिया, जहां लगभग 101 घर बने हुए हैं और दिखाई दे रहे हैं। जी 1 नवंबर 2020 को ली गई इस तस्वीर को लेकर जब एनडीटीवी ने कई विशेषज्ञों को संपर्क किया, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की कि यह गांव भारत के वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है और भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा। जी हां, यह गांव ऊपरी सुबनसिरी जिले के तसारी चू नदी के किनारे पर मौजूद है। यह वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसे सशस्त्र लड़ाई वाली जगह के तौर पर भी चिन्हित किया गया है। यह गांव हिमालय के पूर्वी रेंज में तब बस बनाया गया है जब इसके कुछ वक्त पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में दशकों बाद गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक रूप से कभी नहीं बताया कि उसके कितने जवानों को नुकसान पहुंचा था। पूर्वी लद्दाख का यह विवाद अभी तक कई राउंड की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया है। जी हां, और दोनों देशों के जवान दुर्गम इलाकों में भयंकर जानलेवा ठंड के बीच में सीमा पर तैनात है। यहां सबसे नई इमेज 1 जनवरी 2020 की है। 26 अगस्त 2019 की तस्वीर को देखें तो यहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि यह निर्माण पिछले एक साल में किया गया है। एनडीटीवी ने यह तस्वीर विदेश मंत्रालय को भी भेजी थी और फिर डिटेल्स में सवाल पूछे थे, जिन पर मंत्रालय ने इन्हें सीधे तौर पर खारिज तो नहीं किया और जवाब में कहा है कि हमें चीन की ओर से भारत के सीमा इलाकों में निर्माण गतिविधियां तेज करने की खबरें मिली है। चीन ने पिछले कुछ सालों में निर्माण गतिविधियां शुरू की है। सरकार का कहना है
की वे सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने रोड, पुल वगैरह सहित कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए हैं, जिसमें हमें सीमा पर स्थानीय जनता से जरूरी कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद मिली है। जब पिछले साल अक्टूबर में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कुछ वक्त से भारतीय पक्ष सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य गतिविधियां बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति यही वजह है। दोस्तों आज का न्यूज बस तक कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।